आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम इस वीडियो में बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के बारे में। इसमें आज जो जन अनुशासन त्रिस्तरीय जन अनुशासन पखवाड़ा आया है, उसमें कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल खोलने को लेकर संपूर्ण गाइडलाइन जारी कर दी गई है। तो हम इसमें अक्षरश एक एक चीज़ देखेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में आने वाला बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई नई नई जानकारियाँ आप तक आसानी से पहुँचती रहे। चलते हम आते ही देखते हैं त्रिस्तरीय जन अनुशासन पखवाड़ा, उसमें क्या कुछ कहा गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, राजस्थान सरकार के गृह विभाग की तरफ से 17/9/2021 को एक आदेश जारी किया है, जिसमें त्रिस्तरीय जन अनुशासन दिशा निर्देश 6.0 जारी किए गए हैं। इसके अंतर्गत शैक्षणिक गतिविधियों के संबंध में संपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए। इसके अंतर्गत बताया गया है कि विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 12/8/2021 द्वारा प्रदेश में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और कक्षा 9 से 12 की कोचिंग संस्थान खोलने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। और इस आदेश के अनुसार 6 से 8 तक की नियमित शिक्षण गतिविधियां 20/9/2021 से शुरू होगी। विशेष ध्यान रखें, 6 से 8 की भी अब इसमें शुरू करने का समय दे दिया गया है 20/9/2021 को। और कक्षा 1 से 5 की जो गतिविधि अध्ययन कार्य होगा, जो ऑफलाइन जो विद्यालय में नियमित अध्ययन कक्षाएं लगेगी, वो 27/9/2021 से लगेगी, जिसमें 50% क्षमता के साथ इन्हें संचालित किया जा सकेगा। आगे देखते हैं, विद्यालय के शैक्षणिक और अशैक्षणिक संस्थान और जो भी बस संचालक, ऑटो, कैब संचालक जो भी हैं, वो 14 दिन पूर्व ही वैक्सीन लगा चुके हों, उन्हीं को इस चीज़ के लिए यहाँ पर उपस्थित होना बताया गया है कि वही ये सब कार्य कर पाएंगे जो 14 दिन पूर्व कम से कम एक डोज ले चुके हैं। आगे देखते हैं, शैक्षिक गैर शैक्षिक स्टाप और विद्यार्थी आवागमन हेतु संचालित स्कूल बस, ऑटो इत्यादि में वाहन की क्षमता के अनुसार ही इसमें बैठेंगे। जितनी क्षमता के वाहन है उतने इसमें बैठ सकते हैं। अगला देखते हैं, नियमित कक्षाओं के अध्यापन के लिए छात्रों को बैठक व्यवस्था के लिए उपस्थिति, जो कक्ष है उनकी क्षमता का 50% ही उन कक्षों में हमें बिठाना है, ये भी एक और विशेष बात है। ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग अध्यापन में इसको भी प्रोत्साहित करने का इसमें है। अगला देखते हैं, राज्य में शिक्षण गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालित होने के लिए संस्थानों को निम्न जो देखना क्या क्या है। इसमें सबसे पहले सभी विद्यार्थियों के अभिभावक से लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य है। अगर अभिभावक मना कर देते हैं तो उनके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाना है। ऑफलाइन अध्ययन हेतु संस्थान द्वारा भेजना चाहते हैं तो ये उपस्थिति के लिए हमें एक्स्ट्रा दबाव नहीं बनाना है, और ऑनलाइन अध्यापन निरंतर संचालित रखना है। प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं करना है, ये इसमें विशेष दिया हुआ है कि प्रार्थना सभा असेंबली नहीं लगेगी। नो मास्क नो एंट्री वाला नियम पालन करना है। आगे देखें आप, प्रत्येक स्टाफ शैक्षणिक हो अशैक्षणिक हो विद्यार्थी हो, सभी की स्क्रीनिंग अनिवार्य है। मुख्य द्वार पर प्रवेश और निकास के दौरान संस्थान परिसर में कक्षों में सामाजिक दूरी 2 गज दूरी वाला नियम भी पालन करना जरूरी है। आगे देखते हैं हम, परिसर में स्थित कैंटीन, ये जो कैंटीन वाला है वो अभी बंद रहेगा, फिलहाल कैंटीन शुरू नहीं की जाएगी। आगे देखें आप, प्रत्येक फ्लोर पर क्लासरूम पर फैकल्टी के रूम कुर्सियाँ जो सुविधाएं जो संपर्क में आती है मानव संपर्क में, वो प्रतिदिन सैनिटाइज होना जरूरी है, ये विशेष ध्यान रखें। जैसे डोर जो भी हम रोजाना संपर्क में आते हैं, खिड़की, और एक और ये चीज़ है कि जो कक्ष हैं उनके खिड़की दरवाजे हमेशा खुले रखें ताकि हवा का प्रवाह सुनिश्चित रहे। संस्थान में प्रतिदिन काम में आने वाली स्टेशनरी और अन्य उपकरणों को सैनिटाइज करना अनिवार्य है, जो भी सामग्री उनको सैनिटाइज करना है। और कोई सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर प्रतिबंध रहता है, अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उस पर आर्थिक दंड किया जा सकता है। संस्थान परिसर में किसी भी विद्यार्थी या शिक्षकगण की कोविड पॉजिटिव से संभावित संक्रमण की स्थिति बैठती है तो उस 10 दिनों के लिए उसे उस कक्ष को बंद कर दिया जाएगा, ये इसका एक और नियम है। अगला देखते हैं, इसमें अंतिम जो है, किसी भी विद्यार्थी शिक्षकगण के COVID-19 के लक्षण होने पर उसका निकटतम अस्पताल में या जो भी कोविड सेंटर है उसमें इलाज, आइसोलेशन, रेफर, भर्ती करवाना जाएगा, और संस्थान द्वारा एम्बुलेंस की
व्यवस्था की जाएगी। इसमें संस्थान द्वारा एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी। और ये देख लीजिए आप, जनजाति वाला जो आवासीय विद्यालय है उनके लिए भी 20/9/2021 से ये स्कूल खुल जाएंगे और इसके दिशा निर्देश उनका विभाग अलग से जारी करेगा। इस तरह से पूरा संपूर्ण गाइडलाइन आ चुकी है शिक्षा विभाग से संबंधित। इसमें गतिविधियों के संबंध में अब संपूर्ण गाइडलाइन आ चुकी है। तो अब 6 से 8 के और 1 से 5 कुल मिला के 1 से 8 तक के स्कूल 27/9/2021 तक कंप्लीट है। 1 से 12 तक के सारे स्कूल खुल जाएंगे, सभी बच्चों की ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो जाएगी, नियमित अध्ययन शुरू हो जाएगा। तो सभी छात्रों को अग्रिम बधाई और अध्यापकों को और शिक्षकों को भी अग्रिम बधाई, धन्यवाद।